हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मैकलॉरिन थ्योरम के पार्ट फोर पे बात करेंगे। हम एक्चुअल में मैकलॉरिन थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। आज भी इस सीरीज में हम क्वेश्चन ही करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चंस मैकलॉरिन थ्योरम में कैसे किए जाते हैं। बेसिकली हमने इसे सीरीज के एक्सपेंशन और सारी चीज़ों पर बात कर ली है और इसमें हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई थिंक अब आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई नहीं होंगी और ये क्वेश्चन आई थिंक ये सब वैराइटीज कैसे कवर की जाती हैं आपको समझ में आ चुका है। और अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि मैं जो क्वेश्चन अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो आंसर बताऊंगा उसे मैच करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, हमें एक्सपैंड करना है कोसाइन एक्स को, है ना, कोसाइन एक्स को। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, आपको फंक्शन जो है आपको डिफरेंशिएट करना आता है, उसको डिफरेंशिएट कर लिए अलग अलग एफ वन एफ टू एफ थ्री अलग अलग करके फाइंड आउट करके वैल्यू सीरीज में फीड कर देना है, क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इक्व टू क्या, कोसाइन एक्स। जी हाँ, ऐसे ही करेंगे, कोसाइन एक्स। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बिल्कुल आपको ये सब चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो जाना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगा, कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एफ डैश अगर जीरो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा, सॉरी साइन कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगी। और एफ डबल डैश की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की बात करोगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स है, जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश एक्स की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस साइन एक्स। और एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। इसी तरीके से पावर फोर पे अगर वैल्यू बात किया जाए तो ये हो जाएगा साइन का कॉस, कोसाइन एक्स होता है। एफ फोर टाइम्स जीरो पे अगर बात निकाला जाए, फोर टाइम्स का मतलब फोर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एक सीरीज का हमें पैटर्न मिल गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो एन तक के लिए भी लिखा जा सकता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, बट ये कि 5 6 7 तक अगर आप कर लेते तो आपको एक जो सीरीज़ मिलती है तो उससे आपको एक सीरीज़ का जो पैटर्न है वो पता लग जाता है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमें पैटर्न ही पता होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ या फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ मैकलॉरिन थ्योरम, मैकलॉरिन थ्योरम क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्व टू क्या होता है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू ओवर थ्री फैक्टोरियल में एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स पावर फोर ओवर फैक्टोरियल फोर, और ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ये इन्फिनिटी तक लेके जाएगा, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज जो हमने पीछे फाइंड आउट करी है, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज एबव इक्वेशन, इक्वेशन कह लो या फिर सीरीज कह लो, वट एवर जैसा भी आप चाहो कर लो, ये हमें पता है। ठीक है, अब सारी वैल्यू रखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो पे हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वन। एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, बिल्कुल आप चाहें तो पीछे भी देख सकते हैं, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब जीरो रखोगे यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस, और एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू करोगे एफ डबल डैश वाले की, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो यार माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल थ्री। एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस एक्स पावर फोर ओवर फैक्टोरियल फोर, और ये प्लस था, ये नेगेटिव बनाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ऐसे ही कुछ चलता रहेगा। अब इसको अगर हम पूरा जो साइन एक्स का जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसको अगर हम पूरा सिस्टमेटिक में लिखें क्या हो जाएगा, जीरो वाले वैल्यू को हटा के वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू,
प्लस एक्स पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 ओवर फैक्टोरियल 6, ऐसे से चलती रहेगी। पावर 8 ओवर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8, ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। और इस चीज़ को हम लोगों ने क्लास 12th लेवल में याद किया था और आज हमने इसका एक्सपेंशन करके देख लिया कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे होंगे तो इससे मैच कराइए कि आप लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। बहुत आसान सा, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और आई थिंक मैकलॉरिन थ्योरम के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए हैं इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने सब कुछ सीख लिया है, प्रूफ करना, क्वेश्चंस को फीडिंग करना और डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएट करना, फीडिंग कैसे की जाती है, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर